यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों के लिए कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। यूपी के 1.5 लाख शिक्षक खुशी से झूम उठे, शिक्षा मित्रों को दे दिया बहुत बड़ा इनाम। योगी सरकार ने अपना वादा निभाया, प्रदेश के इन शिक्षा मित्रों के मानदेय में कर दी बड़ी बढ़ोतरी। लंबे समय से चल रही थी मानदेय बढ़ाने की मांग, योगी ने बुलाई मीटिंग और हो गया बहुत बड़ा ऐलान। जी खत्म हुआ इंतजार, हो गया ऐलान, यूपी के शिक्षकों की पूरी हुई मांग। यूपी के मुखिया योगी ने कर दिया ऐलान, खत्म होगी परेशानी, हर किसी को मिलेगा सम्मान। शिक्षा से लेकर हर एक में यूपी को मिल रही बड़ी पहचान। कैसे एक झटके में योगी ने 1.5 लाख शिक्षकों की खत्म कर दी परेशानी, कैसे सालों से चली आ रही परेशानी कुछ ही घंटे में खत्म हो गई। कई लाख नए पदों पर भी जल्द होगी भर्ती, देश के सभी राज्यों में सबसे बेहतर शिक्षा अब उत्तर प्रदेश की होगी। योगी प्रदेश के हर एक का ख्याल रखते हैं, ये बात फिर से पता चल गई। अब शिक्षा मित्रों को भी मिलेगी हर सुविधा, योगी के ऐलान से शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिली। जी हाँ, लंबे अरसे से जिसका इंतजार प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र कर रहे थे, अब उनका इंतजार योगी ने खत्म कर दिया है। योगी ने इन सभी शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। आपको बताते चले कि यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय अब 12,500 रुपए कर दिया गया है, जो अभी तक 10,000 रुपए था। इस तरीके से मानदेय में 2,500 रुपए की वृद्धि की गई है। जानकारी के मुताबिक शासन स्तर पर इस पर सहमति भी बन गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले बजट में इस बजट को जोड़ दिया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों में कुल 1,48,000 शिक्षा मित्र इस वक्त कार्यरत है, जो अपने मानदेय में लंबे समय से वृद्धि की मांग कर रहे थे। इससे पहले इनके मानदेय में अगस्त 2017 में वृद्धि की गई थी, उस वक्त मानदेय 3,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया था। वहीं मानदेय को लेकर शिक्षा मित्रों की कुछ शिकायतें भी हैं। बताते चले कि शासन द्वारा जून माह का मानदेय पिछले 6 जून को ही जारी किया गया था, जो अभी तक शिक्षा मित्रों के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में कुछ शिक्षा मित्रों ने इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद सीएम योगी ने जल्द से जल्द इनकी समस्याओं के समाधान का आदेश अधिकारियों को दिया था। मुख्यमंत्री ने मानदेय में वृद्धि का भी उस समय भरोसा दिया था, जिसके बाद योगी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग इस दिशा में एक्टिव हो गया। बताते चले कि अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था के लिए बजट की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ना तय है। वे बताते चले कि योगी सरकार ने फरवरी 2023 में परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत देते हुए सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु तय की थी। अब प्रदेश के शिक्षा मित्र 60 साल की उम्र तक पढ़ा सकते हैं, हालांकि पहले की तरह ही उनका नवीनीकरण हर साल होगा। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने अब शिक्षा मित्रों की हर एक परेशानी को खत्म करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रदेश की शिक्षा में लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, उसी आधार पर अब शिक्षकों को भी लगातार उनकी सुविधा के अनुसार बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की भरपूर कोशिश योगी सरकार द्वारा की जा रही है। बताते चले कि आने वाले कुछ समय के अंदर यूपी के शिक्षा विभाग के कई विभागों में भर्ती का आदेश जल्द ही योगी सरकार द्वारा आ सकता है। तो शिक्षा मित्रों के मानदेय में की गई इस बढ़ोतरी पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।